नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थर्ड डिजर्ट से आपका स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। वर्ल्ड का 20वां लार्जेस्ट डेजर्ट है ये थर्ड डेजर्ट और 9वां हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट यही थर्ड डेजर्ट है, जिसने कि भारत के अंदर 85% अपना शेयर बांट रखा है, यानी फैला हुआ है 85% और लगभग 2,00,000 किलोमीटर स्क्वायर या 77,000 स्क्वायर माइल्स के रूप में ये फैला हुआ है। ये ग्रेट थर्ड डेजर्ट चारों तरफ जहाँ तक नजर जाएगी ईरान सुनसान और रेत के समुद्र से अटा पड़ा हुआ है। यहाँ वनस्पति भी नहीं है, पानी की भी बहुत कमी है और इसके अंदर पर जो एक जो बहुत समृद्ध और रिच है वह है यहाँ का म्यूजिक, ताल रिदम और उनकी सिंफनी, जो कि अपने आप के अंदर यहाँ की जीवता को जिजुविषा को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है और आदमी इन विषम परिस्थितियों में भी बहुत सुकून से अपना जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम जो आपको दिखा रहे हैं वह है इसी थार डेजर्ट में से निकलते हुए एक छोटा सा इंजन जो बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल है अपने आप में, WDM-3D जो कि मोस्ट पावरफुल इंजन है और इसके अंदर फेंसिंग डियर है यानी कि उछल कूद करता हुआ हिरन, और वास्तव में ये इंजन आ रहा है ये भी उछल कूद करता हुआ अकेला इंजन है जो भारत की लॉन्गेस्ट फुल्ली एयर कंडीशन जो ट्रेन जाने वाली है यानी कि अरुणव्रत एक्सप्रेस को अकेला लेके जा रहा है। 3,300 हॉर्स पावर का इंजन है जिसका कि नंबर है WDM-3D-11208 इरोड सेक्शन का। इसके ऊपर एक सुंदर सा हिरण उछल कूद करता हुआ आपको दिखाई देगा और ये राजस्थान की धरा को चीरता हुआ लेके जा रहा है अकेला। काफी लंबी यात्रा करेगा, लगभग 2 नॉन स्टॉप, और इसको इसलिए नॉन स्टॉप लगाते हैं समय बचे और यात्रियों को असुविधा नहीं हो। तो मगर इत्तेफाक की बात है कि पूरी एसी कंडीशन एयर कंडीशन गाड़ी को एकमात्र ये छोटा सा इंजन लेके जा रहा है अपने जिम्मे के साथ, जो वाकई काबिल तारीफ है और सैल्यूट है इसको, इंजन को, खूबसूरत इंजन को सैल्यूट। ये देखिए आप इसका, आप इसका एंजॉय लीजिए। अरुणव्रत एक्सप्रेस 22632 जो अरुणव्रत एसी सुपर फास्ट ट्रेन है ये फुली एयर कंडीशन है और इस ट्रेन को बीकानेर से लेकर मदुरई तक ले जाया जाता है और इसमें एक विशेष ये बात है कि ये जो ट्रेन जा रही है ये इरोड तक इसमें एक ही इंजन लेके जा रहा है इसको, वो भी 3,300 हॉर्स पावर का। तो इंजन का ये ऑफ लिंक कनेक्शन कम्बिनेशन है और दूसरा इसके अंदर एक नई लिवरी जो कि इरोड सेक्शन की है लिवरी, वह आपको देखने को मिलेगी और उसके ऊपर इसका एक प्रेंसिंग हिरन डियर यानी कि उछल कूद करता हुआ हिरन, इसमें आगे इसका लोगो है जिससे पता लग रहा है कि गाड़ी को ऐसे ही मस्ती से उठा के लेके जा रहा है अकेला इंजन, जिसके अंदर पूरे 22 डब्बे लग रहे हैं और सारे के सारे एयर कंडीशन है। वैसे अगर इसकी बात करें लोको की तो ये बीकानेर से सवाई माधोपुर तक इसके अंदर प्रमुखतया BGKT का, भगत की कोटी का WDP-4D इंजन जाता है और सवाई माधोपुर से मदुरई तक इसके अंदर इरोड का WAP-7 चलता है, परंतु इस बार ये अकेला ही WDM-3D इसको लेके जा रहा है। रिवर्सल इसका दो जगह होएगा, एक तो सवाई माधोपुर में होता है, एक नागदा में होता है और ट्रेवल टाइम इसका 51 घंटे 30 मिनट है कुल 37 हॉल्ट के साथ, यानी कि 3,060 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट जर्नी करने वाली है अकेला इंजन। और बीकानेर से ये केवल संडे को 15 बजे यानी कि दोपहर को 3 बजे दो नाइट जर्नी के बाद 18:30 पे शाम के 6:30 बजे ट्यूजडे को मदुरई पहुंच जाती है 37,467 इंटरमीडिएट स्टेशन पर। और ये पीली आंखों वाला कबूतर सर्दियों के शुरुआत में ही अक्टूबर के करीब करीब बीकानेर में शीतकालीन प्रवास में बीकानेर आ गया है। ये पीली आंखों का कबूतर है जो बहुत रेयर है और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी ईरान और वहाँ से चीन से ये आता है। इसको इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है कोलम्बा एवर्स मैनी और 1856 में पहली बार फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसको देखा, लुसियन बोनापार्ट ने देखा था और ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ नेचर के अनुसार खतरे की लाल सूची के अंदर प्रजातियां हैं, क्योंकि इसकी जाति में 99% इनके जो जनसंख्या है समाप्त हो गई है। और ये जो पेड़ पर बैठा हुआ है, यह है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, जो शिकारी पक्षियों से अपना शिकार छीनकर खाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का प्रवासी पक्षी है, जो सर्दियों में उत्तरी व मध्य भारत में प्रवास करने के लिए आता है। बीकानेर में भी आया है। ये बड़े आकार का शिकारी पक्षी है और वयस्क बाज की तरह इसका शरीर गठीला होता है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल एक बड़ा शिकारी पक्षी है, जो कई घंटों तक किसी पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर बैठे रहते हैं। ये पक्षी एक खुले क्षेत्र जैसे खेतों के आसपास जहाँ कहीं भी हो ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं, और आसमान में उड़ते हुए अपने शिकार को देखकर अचानक से हमला कर देते हैं। ये मुख्यतः सांप, गिलहरी, खरगोश या छोटे पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। खेतों में आसपास पाए जाने वाले खरगोश व जहरीली सांपों को व चूहों को भी ये खा जाते हैं। ये बाज की प्रजाति ही है, जो पक्षियों से उसको शिकार छीनकर खाने में बहुत माहिर है। ये बहुत ही खूबसूरत है, रोमानिया से आती है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल। और ये जो ट्रेन है, ये है 04888 बाड़मेर से चलकर ऋषिकेश को जाने वाली बाड़मेर ऋषिकेश फेस्टिवल, जो बाड़मेर से सुबह 7:25 पर प्रातःकाल चली हुई है, और अगले दिन ऋषिकेश 9:40 पर 10:00 एक लाख की जर्नी के लिए। ये WDM3 जो हैं 14:29 और 14:50 दोनों ही अब रोड के ब्लू लिवरी के अंदर ब्यूटीफुल लेवल में जैसे हैं। जैसे आज इसमें चल रहा है ABR का WDM38 ट्विन्स चल रहे हैं। ये WDM38 जो हैं 14:29 और 14:50 दोनों ही आबू रोड के ब्लू लिवरी के अंदर ब्यूटीफुल लेवल में चल रहे हैं, और ये अप टू इसको भटिंडा तक लेके जाएंगे। भटिंडा से फिर ऋषिकेश के लिए इसमें TKD का तुगलकाबाद का WAP4 या गाजियाबाद का WAP7 इलेक्ट्रिक इंजन इसको हॉल करके लेके जाएगा। रिवर्सल इसका एक बार भटिंडा में होएगा। ट्रेवल टाइम 26:15 लेती है 33 हॉल्ट के साथ 1191 किलोमीटर यानी कि लगभग 1200 किलोमीटर का ये जर्नी करती है, डिस्टेंस कवर करती है, और 33 हॉल्ट के साथ 155 इंटरमीडिएट स्टेशन कवर करती है। और अंत में पसंद आने पे एक लाइक और अपना कमेंट मुझे जरूर प्रदान करना, मुझे अपने कमेंट से अनुग्रहित करना, जिसका कि मैं इंतजार करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।